हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 12 प्रो 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 12 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग पर जाकर जो हमारे फ़ोन में गेम स्पेस है, तो गेम स्पेस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं रेडमी नोट 12 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन है। तो जो हमारे फ़ोन में गेम स्पेस है, तो गेम स्पेस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ से बैक करके यहाँ से जाना है कनेक्शन एंड शेयरिंग सेटिंग पे। तो कनेक्शन एंड शेयरिंग सेटिंग्स को ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपके पास कास्ट सेटिंग्स आ जाएगी। कास्ट सेटिंग्स के जरिए आपको यहाँ से जाना है डीमोस सेटिंग पे। तो डीमोस सेटिंग्स पे क्लिक करते ही यहाँ पर गेम सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप गेम स्पेस का यूज़ कर सकते हैं और टर्बो मोड, गेम टर्बो को ऑन कर सकते हैं। सिंपली इस तरीके से टैप कर देंगे तो गेम टर्बो मोड ऑन हो जाएगा। इससे आप गेम स्पेस का यूज़ कर सकते हैं और गेम्स वगैरह को प्ले कर सकते हैं। गेम टर्बो मोड में जैसे फ्री फायर, बैटल ग्राउंड या PSP, तो इनको आप प्ले करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इनको प्ले करके यूज़ कर पाएंगे। स्टार्ट प्ले के लिए इस पर क्लिक करना और गेम्स प्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी गेम स्पेस का आप यूज़ कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। और जैसे आपको ऑप्शंस में मिलता है, तो आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, देख सकते हैं आप, ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पे सर्च करना है गेम्स। जब आप गेम सर्च करें तो गेम स्पेस सेटिंग पे चले आने, जहाँ से गेम स्पेस का यूज़ करके टर्बो मोड को यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं और ऑन करके अपना गेम स्पेस का यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप गेम स्पेस का यूज़ कर सकते हैं गेम टर्बो को ऑन करके रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।